हेलो, क्या हो गौरव? सर को कॉल किए, उसी के बाद ही लिंक भेजे हैं, लेकिन सर अभी तक आया नहीं। बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। नहीं आता? सो गाइस चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। सो गाइस ये है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऐसे करके अपने हैंड से ऐसे प्रेस कर देना है। रेड कलर का है वो ग्रे हो जाएगा, एंड देन उसके बाद सामने ही आपका बेल आइकन है, आपने उस बेल आइकन को ऐसे करके प्रेस कर देना है, और फिर आपको जो भी मेरी अगली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी सबसे पहले। पर्सन पूछे कि भेज दे सर, सिलेंडर भेज दो। तो करुण को करो, कॉल कर लो, बोलो। ठीक है, करते हैं। गुड इवनिंग सर। सर 17 लोग ज्वाइन हो गए हैं सर। ठीक है, बस चालू कर रहे हैं, मेरा बैटरी है कम। हेलो सर, का मोबाइल चार्ज नहीं है, वो चार्ज में लगा के आते हैं। क्या आप चार्ज लगाएंगे सर? और चार्ज लगाने के बाद आएंगे? बोले कि हमको बैटरी खत्म हो गया। ले, अरे तो चार्ज होने में भी तो टाइम लगेगा ना। लगे थे स्विच ऑफ हो गया, देखो कॉल लगाए थे। कितना देर बोले हैं सर? टाइम बताने से पहले स्विच ऑफ हो गया। अरे तो लेट्स एंड दिस मीटिंग, वी विल डू द क्लास टुमारो। गए आ गए, हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, तो कल हम लोग क्या पढ़े है? मार्क्सिज्म थ्योरी के मार्क्स बारे में बताएं। मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म थ्योरी सर, उसके बारे में लिखा है थ्योरी। आप। तो कहाँ तक लिखाए थे, कुछ बोलो, दो चार लाइन। लास्ट वाला बोलते हैं, दिस व्यू हाँ इज रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर एंड इट प्रिवेंट्स द आर्टिस्ट इंटायर मेंटल वर्ल्ड। मेंटल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें एमिलिया कौन थी? हुआ जो एमिलिया, आ एमिलिया कौन थी? मैंने बताया था तुम लोग को, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, नो सर, आई लेफ्ट द क्लास इन द मिडिल दैट डे। तो जो मिडिल क्लास था, तुम हमको बोल कर कहा नहीं गई थी कि हम जा रहे हैं? अब जब पूछ रहे हैं तो बता रही हो। आई डोंट नो अबाउट दैट, द इमीडिएट थिंग। चलो दूसरा कोई बोलो। सर यागो की वाइफ थी। हाँ, वेरी गुड, यागो की यस वाइफ थी, ठीक है। अब पहला है कि शेक्सपियर हैज नो सिंपैथी फॉर द एवरीशियस ज्यू, ठीक है। ये तुम लोगों ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है? कोई बोलेगा? नहीं सर। नहीं पढ़ा है। तो ये जीव है जो बड़ा ही क्या है, एविल क्रिएचर है, ठीक है। ही इज एन इंटॉलरेंट पर्सनालिटी, ठीक है ना। ही हेट्स ऑल द क्रिश्चियंस,
because his religion is different. ठीक है, and that is why he shows every type of wickedness towards Christians. ठीक है, अभी देश में सबसे बड़ा उत्पाती विचार क्या आ रहा है? रिलीजन इंडिया में चल रहा है ना? Yes, sir. जैसे इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन का जो है किसे आप आइडिया कुछ लगाइए, प्लानिंग कुछ कीजिए, अपना मोटो कुछ डिक्लेयर कीजिए, कोई मतलब नहीं है. मतलब है उसमें कि हिंदू मुस्लिम को मैंने भड़काने तड़काने लड़ाने का काम शुरू हो जाता है, पता है ना? है? धर्म के नाम के लोगों को बांटने का काम चल जाता है. ठीक है, कितनों कहिए लोग को कि एक हाथ में कुरान है एक हाथ में कंप्यूटर चलाओ, भाई नहीं चलेगा. उसको कहिए कि देखो भाई तुम लोग भी जरा भगवा पार्टी हिसाब से रहो, वो नहीं रहता है. क्लियर? तो ये डेवलप्ड वर्ल्ड में, ठीक है, या डेवलपिंग वर्ल्ड में, ठीक है, प्रॉब्लम अभी सबसे ज्यादा क्या है? रिलीजियस कंफ्लिक्ट का. देख रहे हो ना तुम लोग सब? एंड दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है ना, बट दिस प्रॉब्लम इज परवेडिंग every nook and corner of the world, है कि नहीं है? तो अभी हम 21st century में we people say और we people guess, ठीक है, that today's world is global, ठीक है, we now have many scientific instruments, gadgets, ठीक है, and we have many types of developing things, many type of scientific things, many type of research, etc., etc. ठीक है, but क्या है? कोरोना वायरस का टीका में सुअर का चर्बी लगा हुआ है कि नहीं, डिक्लेयर कीजिए. उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, है ना? तो why this mess? ठीक है, we should be called developed people, but we should also be called क्या idiots? ठीक है, हम लोग को छोटी बात को भी नजरअंदाज करने में बहुत टाइम लगता है, और लड़ने के लिए तो बस एगो कुछ बोल दिया बस शुरू हो जाता है हर कोई. On TV channels you see debates of highly qualified persons, ठीक है, and क्या है खानदानी politicians, देखती हो ना, देखते हो ना, एंड दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द जर्नलिस्ट, ठीक है, कि व्हाट इज देयर रियल अप्रोच, क्या है? फॉर वोट, फॉर द सेक ऑफ वोट दे आर रेडी टू से एनीथिंग, स्टेट एनीथिंग, क्रिटिसाइज एनीथिंग एंड फेवर एनीथिंग. ठीक है, तो स्टिल रिलीजियस प्रॉब्लम्स आर देयर, कंफ्लिक्ट्स आर देयर, है कि नहीं है? इनटॉलरेंस इज देयर, क्या है, इवन इन 21st सेंचुरी, ठीक है, बट थिंक अबाउट द डेज व्हेन शेक्सपियर वाज अलाइव, रिलीजियस हैट्रेड वाज एट इट्स क्लाइमेक्स. बात समझ में आई? रिलीजियस जो हैट्रेड था, हम लोग लड़ते क्यों है? घृणा के कारण न लड़ते हैं, एक दूसरे को घृणा करते हैं हम लोग, उसका रीति रिवाज हमको पसंद नहीं, हमारा रीति रिवाज उसको पसंद नहीं है. अभी तो हम लोग रिलीजन की बात कर रहे हैं, उसमें तुम कास्ट का अलग घुसा रहा है. तो रिलीजियस जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होते रहते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई चाहता है कि हम कुछ कानून से गाइड हो, कोई चाहता है हम कुछ कानून से गाइड हो. तो ये तो ऐसे चलता नहीं है, ठीक है. तो ये ऐसे चलता नहीं है, ठीक है. तो शेक्सपियर ने आइडिया लगाया कि कैन वी ब्रिज द गैप बिटवीन टू रिलीजन्स. हिटलर ने अपने गैस चैम्बर में किसको मारा?
ज्यूस को मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो बहुत घृणा करता था। क्लियर ना? तो ये सारी प्रक्रिया चलते रहती है। अब शेक्सपियर ने आइडिया लगाया कि कैन वी एंड दिस रिलीजियस इंटॉलरेंस, कैन देयर बी एनी हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। तो ही सेटल्ड दिस इशू, ठीक है, बाय क्रिएटिंग टू कैरेक्टर्स, वन इज पोर्सिया एंड द नेक्स्ट इज शाइलॉक। शाइलॉक इज ए ज्यू, पोर्सिया इज ए क्रिश्चियन, ठीक है। एंड शाइलॉक वॉज सो डिटरेंट अबाउट हिज रिलीजन दैट ही नेवर सरेंडर्ड बिफोर एनी वन, एंड अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज डाउटर, लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, एंड ऑन द नेक्स्ट स्टेज वी फाइंड पोर्सिया, अनदर कैरेक्टर हु इज द इम्ब्लेम ऑफ लव, पिटी, मर्सी, सिंपैथी। बट शी फेल्ड टू चेंज द हार्ट ऑफ शाइलॉक। द आइडिया बिहाइंड दैट that we all should end this hatred, because due to this hatred humans are not treated as humans, theek hai? So Shakespeare thought beyond his time, theek hai, just to see some harmonious situation prevailing in human society, theek hai? तो यहाँ पे देखना क्या है कि दिस इज द ट्रू थिंग दैट वी परसीव अबाउट आवर क्या वर्ल्ड, अबाउट आवर ह्यूमन वर्ल्ड। इसमें कहीं कोई माने फॉल्स तो एटीट्यूड नहीं है। अगर हम रिलीजियस समझिए फेथ, रिलीजियस क्राइसिस, रिलीजियस कंफ्लिक्ट की बात करते हैं इस जमाने में भी, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, और डोंट यू सी दैट इट्स ए रियल थिंग? क्या अभी है स्थिति ऐसी कि नहीं है? Yes, sir, है। तो यही बात है, ठीक है, ग्रेजुअली, ठीक है, सम गुड फोर्सेस विल कम और आर कमिंग, ठीक है। तो दिस सिचुएशन हैज टू बी क्रिएटेड बाय ए प्योर आर्टिस्ट, ही मस्ट से अबाउट हिज फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फ्यूचर लाइफ, एंड ही ऑल्सो प्रेजेंट द रियल लाइफ इन हिज वर्क्स। क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज लाइक्ड बाय मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है, एंड दिस प्रेजेंटेशन teaches us, ठीक है, how to bring harmony, how to have peace, and how to make a completely non-violent world, ठीक है। तो इतना तक हो गया, अब लिखो next. Ready? Yes, sir. लिखो पैराग्राफ चेंज करके। The critic therefore, critic का काम क्या है बाबू? हम बता चुके हैं पहले। What is the work of a critic? The work of a critic is to give his opinion about any particular work of some other writers. Very good. The critic has to evaluate, see merit and demerit of a particular literary work or a particular literary person. ठीक है? चलो लिखो। The critic therefore, who would judge literature
comma must know the objective. So please again repeat. The critic, therefore, who would judge literature, comma must know the objective laws that govern the evolution of human society. Objective laws ke baad, sir. Objective laws that govern the evolution of human society. ठीक है, हो गया? Yes sir. हाँ, तो ये इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का मतलब समझते हो? How human society has changed in the period of time. Throughout... The period of time, social change. Yes. ठीक है. Yes. तो आप लोग समझते हैं कि समाज हमारा बदल रहा है या एक ही जगह खड़ा है? It is changing. It is changing. ठीक है, चलो जी, और कौन ओपिनियन क्या दे रहा है बताओ? है? The society is definitely changing, sir. Definitely changing. ये चेंज तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे चीजें अभी तक वही के वही है. चेंज का जो स्केल है, ठीक है, वो बहुत अभी लिमिटेड है. ठीक है, पीपुल आर स्टिल कंजर्वेटिव, पीपुल आर स्टिल नॉट रेडी टू चेंज दियर हैबिट एंड दियर अंडरस्टैंडिंग. बात समझ आई? चेंज जो है दैट इज मटेरियल. बात समझ में आ रही है? भौतिक रूप से हम लोग बहुत बदल गए हैं कि अब हमारे घर में लेटर पत्र सारा कुछ है. ठीक है, लेकिन मेंटल कंडीशन हमारे बदल नहीं रहे हैं क्या? मेंटली वी आर नॉट चेंजिंग. अभी भी हम लोग जो है ना अपने ओल्ड हैबिट्स को क्लियर वही रखे हुए हैं जहां वो पहले था, लेकिन इसको धीरे धीरे बदलना चाहिए. ठीक है, इसलिए जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक सोशल हैट्रेड, ठीक है, इनह्यूमन एटीट्यूड, एट्रोसिटीज, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब नहीं कमेंगे. इसलिए द रोल ऑफ द क्रिटिक इज टू सी दिस इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि इन व्हाट डायरेक्शन वी ऑल आर मूविंग. ये सारी बातें हम लोग क्यों करते हैं? साइंस क्यों करता है? साइंटिस्ट क्यों करता है? छोड़ देता है कोरोना वायरस नहीं बनता, छोड़ देता जो है सो कि कोरोना वायरस का टीका नहीं बनता. ठीक है, आदमी तो पटापट समाप्त हो जाता है. तो कुछ लोगों ने तो अपने समय से पहले सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या है, अभी भी वही का वही है, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है. ठीक है, हाँ, तो ये दिस इज क्या द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव टुडे. चलो नेक्स्ट लिखो. These laws can be understood in terms of these laws can be understood can be understood in terms of the dialectics of evolution
as expressed in human society. Man's struggle for existence, man's struggle for existence involves him in various kinds of contradictions. Which are inherent in the material conditions of his life. Which are inherent in? Inherent in the material conditions of his life. Full stop. This struggle for existence, a struggle for existence, ultimately is an economic fact. Economic form. Economic, क्या बोले, fact. Fact. मतलब समझा तुम लोग? ये जो material conditions हमारे हैं, ठीक है, सारा स्ट्रगल इसी के लिए है. बात समझ में आई? जो भी झगड़ा है, महाभारत क्यों हुआ? प्रॉपर्टी के लिए. रामायण में राम जी को क्यों वनवास जाना पड़ा? राजगद्दी के लिए. राजपाट के लिए. राजगद्दी के लिए. भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? अपना एक पार्टिकुलर स्टेट चाहिए था. वो भी इसमें भी है कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, है? वो भी मटेरियल गेन के लिए ही हुआ. दुनिया में जितनी लड़ाइयां होती हैं, ठीक है, है? हम लड़ते हैं या कोई और भी लड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मटेरियल से जुड़ा हुआ कंफ्लिक्ट रहता है, ठीक है, उसके बिना झगड़ा हो ही नहीं सकता है. क्लियर हुआ? तो इकोनॉमिक फैक्ट्स जरूरी है. अंग्रेजों ने जब भारत पर को गुलाम बनाया तो दे सेड टू द इंटायर वर्ल्ड कि इंडिया इज ए सेवेज कंट्री, इंडिया इज इलिटरेट कंट्री, इंडियंस आर लाइक एनिमल्स, ठीक है, we are making them human beings, we are making them cultured and civilized, we are educating them, ठीक है कि नहीं है? और अभी भी बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं. और जब आप इतिहास पढ़िएगा इंडिया का तो बहुत सारे अंग्रेज और बहुत सारे मतलब वेस्टर्न थिंकर्स थे, उनका कहना था कि व्हेन इंडिया विल बी गिवन फ्रीडम इंडिया वुड सकम टू द रिलीजियस वायलेंस. उन लोगों को पता था, समझे, कि जैसे ही भारत में आजादी की घोषणा होगी भारत में हिंदू मुस्लिम में झगड़े शुरू हो जाएंगे. क्लियर हुआ? क्यों झगड़े होंगे? क्यों झगड़े होंगे? क्योंकि इंडियंस
most of the Indians were still illiterate, still savage. ठीक है, जहां धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो गया और जहां लाशों के अंबार लग गए, ठीक है, उतना बड़ा मैसेकर, मतलब कि पार्टीशन का आज तक का इतिहास है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ. बात समझ में आई? एंड महात्मा गांधी वाज अलाइव. कारण क्या था भैया? तो इकोनॉमिक कारण था, ठीक है, कि एक आदमी जो ऐसा डिक्लेयर कर रहा है, एक आदमी वैसा डिक्लेयर कर रहा है, हम वहां के लीडर बने, देश कहीं जाए लेकिन हमको अपने स्टेटस को बरकरार रखना है. क्लियर हुआ? तो ये मटेरियल जो फैक्ट है, इकोनॉमिक जो फैक्ट है, ठीक है, दिस इज स्टिल प्रेजेंट. और ये जब तक रहेगा, क्लासलेस सोसाइटी, फ्री सोसाइटी, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन विल नेवर कम. ये मार्क्स का आइडिया है. बात समझ में आई? तो इस इकोनॉमी को कैसे हटा दिया जाए, ये सोचने वाली बात है. और जब तक इकोनॉमिक च्वाइसेस रहेंगे, ठीक है, लड़ाई से कोई किसी को नहीं रोक सकता है. क्लियर? चलो अब और लिखो. सेमीकोलन. फॉर मैन हैज टू सेटिस्फाई, फॉर मैन हैज टू सेटिस्फाई हिज इकोनॉमिक नीड्स by producing. Sir, for man has to satisfy his economic needs by producing not only food but other requirements also. But other requirements also. In order to survive. First off, the primitive man was an individual. The primitive man was an individual or a unit in social group or a unit Sir? In or in a unit in a social group. हो गया यस सर. इन ए सोशल ग्रुप. चलो, दैट वाज लार्जली सेल्फ सपोर्टिंग. That was largely self-supporting. Full stop. But as he originated and made use of, but as he originated and made
use of tools made use of tools to increase production comma he had to enter into new relations he enter into new relations with his fellow men which were almost wholly related to the nature related to the nature of his productive activities of his productive activities full stop the marxist m capital se likhna the marxist explains the evolution of society through all its stages dash primitive communism comma slave society comma feudalism comma capitalism comma imperialism comma right up to scientific communism dash in terms of the changing social relations which each individual has to enter into with other individuals or classes. Full stop, paragraph change. The Marxist goes further. Full stop. He demonstrates, comma, by referring to the evidences, provided by history. Comma, how the invention of tools
how the invention of tools gradually created conditions gradually created conditions in which owners of these formed themselves into an exploiting class. Semicolon. And thereafter, history shows a continuous conflict between the acquisitive and exploiting class in the acquisitive and exploiting class and the dispossessed and exploited class comma, or as it is popularly expressed between the haves between के बाद हाँ as it is popularly expressed comma between the haves and the have nots full stop class conflict therefore lies at the root of social evolution. Full stop. Hence, all our ideas, dash, our religion, comma, our ideas, comma, or moral concepts, comma, our sentiments, dash, take their particular forms and shapes from this class conflict in which the dominant class imposes sir its ideas, in which the dominant
class imposes its ideas on the society to which they belong, to which they belong. Full stop. These ideas are naturally, these ideas are naturally created in order to, these ideas are naturally created in order to protect the interests of the ruling class, comma, and to reconcile the others to its continued domination, to its continued domination. हो गया? Yes sir. Yes sir. अब तुम लोग जरा उसको पढ़ लो, ठीक है, और हमको बताओ उतना में तुम क्या, यह दिस इज द बेस्ट ऑफ मार्क्सिस्ट आइडिया, बात समझ में आई? इतना जो आज लिखा है ना उतना समझ गया तो समझो मार्क्सिज्म तुम लोग समझ गया, क्लियर हुआ? यस सर। पांच मिनट के बाद फिर हम तुमको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और तब तक तुम लोग पढ़ के हमको बताओ, क्लियर ना? ओके सर। चलो चलो, क्या समझा सर? फ्यूडलिज्म में क्या होता है? फ्यूडलिज्म माने होता है नवाबी प्रथा, जमींदारी प्रथा। तुम लोग फ्यूडलिज्म में लड़कर है? नहीं सर, लास्ट लास्ट में तीन, दो तीन लाइन है, फ्यूडलिज्म का मतलब नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लिया। देयर आर सम लॉज इवोल्यूशन of human life, Karl Marx, the struggle of Karl Marx for his existence may gave him some contradiction with the material life, and that thing has now become an economic fact. That is, man has to not just satisfy his need, man has not produced only food but others requirement also in order to survive. The simple man, the primitive man, he was very simple and he was self-supporting, but the invention of tools has made some new relations with the other people. Like in the previous time, man was not very much socially active, not very dependent on others too. But with the increase of tools, they become more socially connected. And the Marxist explained the evolution of society in some stages, like the first one was primitive communism, then the slave society, feudalism. Society samajhta hai. That someone was a slave, gulam partha. गुलामी पर था तो ये क्या था? लोअर क्लास पीपल वर मेड स्लेव्स ऑफ द हायर क्लास। ठीक है।
एंड इंपीरियलिज्म साइंटिफिक कम्युनिज्म राजशाही प्रथा सर कोई बताएगा है? कोई बताएगा इंक्रीजम होता है साम्राज्यवाद टू इंक्रीज योर किंगडम और स्टेट बाय हुक और बाय क्रूक समझा चलो एंड इन दिस चेंजिंग रिलेशनशिप दिस चेंजिंग क्लास मेड ऑल द पीपल कनेक्टेड other people are also connected with the Marxist also explains by it by giving an example from the history that invention of tools I made some the owner of the tools who had the tools were made the exploiting class जो मतलब जिसके पास थोड़ा टूल्स रहता था हथियार वगैरह रहता था वो दे वर डोमिनेटिंग दे वर ट्रीटेड सुपीरियर इंग्लैंड में समझा इंपीरियलिज्म आया ठीक है इंग्लैंड आखिर क्या था कि उतना दूर व्यापार करने के लिए ना पर चढ़ चढ़ के इंडियन सब क्या नहीं गया What was the big difference? And what was the shortcoming? पता है तुमको? No sir. Because of the invention, समझा? बात समझ आ रही है? जिसके पास जितना scientific tool आज रहता है, instruments रहते हैं, ठीक है? दूसरे पर हावी हो जाता है? Yes sir. नहीं? They become more powerful. More powerful, more energetic, ठीक है ना and more economically strong, ठीक है? तो जो economically strong है क्या हो जाता है? He turns into an exploiter. He begins to start exploiting other. बस मैंने तुम्हारे पास राइफल आ गया, दूसरे को धमकाना शुरू कर दिया. है? या तुम्हारे पास में खेती का कोई नया आइडिया आ गया इंस्ट्रूमेंट आ गया तो तुम ऊपर बढ़ गया ठीक है तो तुम उसके चलते धमकाना शुरू कर दिया बहू के पास में ठीक है ये वर्तमान उसमें जिसके पास जिस स्कैन पहले लिया पुलिस से इंस्ट्रूमेंट के कारण जिस देश में सबसे पहले वैक्सीन आया उसने लूट लिया जिस देश के पास में पहले जो है किसे कोरोना वायरस का दवा आया रेमडेसिविर सुना ना नाम के नहीं सुना Yes, हाँ तो पांच रेमडेसिविर जो है कि 5,000 में बेच रहा है मार्केट में आ गया तो उसका ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है तो ऑक्सीजन गैस बेच बेच करके नालंदा जिला का आदमी ढेर माने दिल्ली का उल्लू उन लोग को उल्लू बना करके बैठ गया सुना था कि नहीं तो इस ढंग से क्या है मटेरियल का क्रिएशन जो है ठीक है इट डिपेंड्स ऑन रिसर्च इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन इन्वेंशन ठीक है तो इफ यू और एनीवन एनी कंट्री कुड बी एबल टू इन्वेंट थिंग्स ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स क्या होता है ही यूजेस दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉइटिंग अदर्स बात समझ में आए अब अमेरिका के पास में जो है बहुत पावरफुल वीपन्स है पूरे दुनिया को धमकाते रहता है क्लियर हुआ चाइना के पास में इकोनॉमिक पावर है
सबको पैसा देकर दे दे करके अपना जो है कि लोन इसी करता ना लोन देने की स्थिति में हड़पना लाइन कर जाता है. तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. बात समझ में आई. हम उसको क्या कहते हैं कि दिस इज द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. वी आर इवोल्विंग आवर सेल्फ, ठीक है ना, फ्रॉम प्रिमिटिव एज टू स्लेव टू स्लेवरी कंडीशन, ठीक है. फिर हम लोग क्या हुए, नाउ वी इंटर इनटू फ्यूडलिज्म, देन आफ्टर इंपीरियलिज्म, देन आफ्टर कोलोनियलिज्म, देन आफ्टर मेनी टाइप ऑफ इज्म, ठीक है. तो ये सब क्या है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. कैपिटलिज्म ये भी क्या है, इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है. कैसे हो गया भाई कि जिसके पास में 1000 करोड़ रुपया है उसने कैपिटल लगा दिया. अब कैपिटल लगा दिया तो वो जितना मैंने वर्कर्स उसके यहाँ है वो अपना लगाया, वेजेज मिलना चाहिए उसको 100 रुपया, वो देता है 10 रुपया, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया. अब आप जो कंपनी का ओनर है उसके हिसाब से ना काम कीजिएगा, वो ना नियम बनाएगा. बात समझ में आई. तो उसी के साथ में जिसके पास में ज्यादा संपत्ति रहा, जो डोमिनेंट क्लास रहा, रूल वही बनाता है और बाकी लोग उस रूल को फॉलो करते हैं. क्लियर हुआ. आज तक किसी भी बड़े आदमी को फांसी हुआ नहीं हुआ. बड़ा आदमी यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते बाहर रहता है जेल से, और जो कमजोर आदमी है छोटा सा क्राइम में बेचारा आजीवन कारावास भुगत लेता है. क्यों? बिकॉज द डोमिनेंट क्लास इज स्टिल डोमिनेंट एंड दैट क्लास हैज वेरी पावरफुल रिलेशनशिप विथ अदर्स. क्लियर हुआ. तो वो दैट क्लास कैन इन्फ्लुएंस एनीवन. आपने देखा कि यूपी का जो मंत्री का बेटवा था, उज्जैल से तुरते उसको बेल मिल गया, जबकि 8 आदमी 10 आदमी को अपना गाड़ी से कुचल के मार दिया. दूसरा आदमी रहता तो बेल मिलता उसको. नो सर. तो ये क्या है, ये डोमिनेंस क्लास है. मंत्री है केंद्र में लेकिन कोई उसका बाल बांका कर पाया न, वो इस्तीफा दिया न कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ. तो इस ढंग से डोमिनेंट जो क्लास है दैट मेक्स रूल कि आपको ऐसे चलना है. हिंदू समाज में भी जो डोमिनेंट क्लास रहा उसने रूल बनाए, ठीक है. और रूल किस पर लागू किया, जो उससे कमजोर लोग थे, ठीक है. ऐसे तुमको चलना, ऐसे रहना, ये करना, वो करना, वो करना. अब जैसे जैसे आदमी के पास में पैसा आते गया, मजबूत होते गया, उसने रूल को फ्लॉट करना शुरू कर दिया. क्या एक मजबूत आदमी उसके रूल को नहीं ना मानता है? तुम कौन होता हमको रूल सिखाने वाला? मजबूत सास पुतोह के रूल बताती है ना रे. आप मजबूत बहू सास को रूल बता देती है, होता है कि नहीं होता है बताओ? पता नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं. देखो तुम एकदम गलत बात बोल रही हो, सबको पता है, ठीक है. लेकिन मान लिया जाए कि सास और पुतों में कोई रिलेशन नहीं है. सास है दिल्ली में और पुतो है मुंबई में, अलग अलग दुनिया है उसमें, तो ठीक है, बातें नहीं उठती. लेकिन हर जो प्रिविलेज क्लास है, हर जो डोमिनेंट जो आती है, अब क्यों डोमिनेट करता है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ मटेरियल, ठीक है. अगर बेटा बेटी बेरोजगार है या हस्बैंड वाइफ बेरोजगार है तो माँ बाप के पूरा कब्जे में रहेगा, इधर उधर नहीं कर सकता. बेटा बेटी के हाथ में अगर पावर है तो वो माँ बाप का वो हिसाब किताब ठीक ढंग से रखता है, ठीक है. ये सारे चीजें क्या है, दिस इज ऑल कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड, इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक है. है माल है तो चाल है, सब कोई जानता है. मार्क्सिस्ट भी इस चीज को जानते थे. तो व्हाट इज रियल फॉर ए हाउस, ए फैमिली, ए सोसाइटी,
इट्स ऑल्सो रियल फॉर द इंटायर वर्ल्ड. ठीक है. एंड दीज ऑल फ्यूडलिज्म स्लेवरी और ये वो क्या है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. बट इन द रूट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, इन्वेंशन ऑफ टूल्स, इन्वेंशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना, इज द मेन थिंग. 1857 की क्रांति तुम लोग जानता है ना भारत का. Yes, sir. वो फेल क्यों हो गया? English people were more dominant that time. नहीं, वो तो डोमिनेंट वो तो अलग था, तो बात नहीं. वो इसलिए कि उन लोगों ने उस समय टेलीग्राम का आविष्कार कर लिया था और इंडिया में टेलीग्राम आ चुका था, और तुरंत में कुछ ही समय में उन लोगों ने इस बात को पूरे इंडिया में फैला दिया. क्लियर हुआ? वो सूचना की क्रांति थी टेलीग्राम, समझा. और नतीजा हुआ कि वो लोग जब तक ही पहुंच पाता तब तक टेलीग्राम से मैसेज पहुंच गया, आर्मी अलर्ट थी और इन लोग का हवा पानी बंद. क्लियर हुआ? यस सर. मिडिल है, मिडिल क्लास का भी कोई समर्थन नहीं था सर उसका. मिडिल क्लास में समर्थन कैसे रहेगा और क्या रहेगा बताओ? सब तो वहां भी इन लोगों ने तो दूसरे हिसाब से ना लड़ाई लड़ी. ठीक है, जोश जोश में तो कुछ होता नहीं है. पहली चीज, सवाल है कि डोमिनेंट क्लास तो इंग्लैंड इंग्लिश पीपुल थे ही. दूसरी चीज थी कि उनके पास में साइंटिफिक नॉलेज भी था, इंस्ट्रूमेंट भी था. मान लिया जाए कि बैरक से सेना निकली, अब पते नहीं चला कि सेना कहाँ गई, तो आप सेना का काउंटर नहीं कर सकते हैं. ये लोग भी वही उन लोगों ने काम किया. इन लोग का समाचार जब तक सभी जगह पहुंचता, इंग्लैंड का जो है टेलीग्राम इनसे पहले पहुंच गया. नतीजा होगा कि इनकी आर्मी सभी जगह से घिर तक चली गई. बात समझ में आई? बाबर जब सेना लेकर के आया तो भारत के पास में तोप था ही नहीं. बाबर पहला बार तोप का उसने इस्तेमाल किया, ठीक है, और नतीजा ये हुआ कि इंडियन आर्मी माने इंडियंस का हवा निकल गया, बाबर जीत गया. वो इंस्ट्रूमेंट था, और उस इंस्ट्रूमेंट के चलते जो है, टूल के चलते क्या हुआ, एक दौर आ गया स्लेवरी का, एक्सप्लॉइटेशन का, ठीक है, और वो होते रहा. बात समझ में आ रही है? तो हम लोग तो कहते हैं कि दिस इज वेरी साइंटिफिक, दिस इज वेरी डेवलपिंग आइडिया, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या है, दिस बिकम्स ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेटर्स. अब देखो कि अमेरिका और रसिया दोनों कंट्री अब स्टार वार करेंगे, अंतरिक्ष से वार करेंगे, और दूसरे दूसरे देशों को धमकाएंगे जो गरीब देश है, अपनी मनमानी करेंगे. अमेरिका पट दिना सेंक्शन लगा देता है, इकोनॉमिक सेंक्शन. इंडिया पर कई बार सेंक्शन लग चुका है, परमाणु विस्फोट इंडिया करेगा हम सेंक्शन लगा दे, तुमसे कोई व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली व्यापार है, इन्वेस्टमेंट का जो सेंटर है वो अमेरिका है, वो यूरोप है. ठीक है, तो वो लोग तो हमेशा चाहेगा ना कि जो दूसरे देश है उनका हम हिसाब किताब ठीक से तय करें. उसी ढंग से फैमिली में है, उसी ढंग से सोसाइटी में है. ठीक है, तो इन डिफरेंट स्टेजेज, ठीक है, यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. क्लियर हुआ? यस सर. हाँ चलो, और कल हम नहीं रहेंगे, कल हम एक शादी में जा रहे हैं. ठीक है? ओके सर. के सर? के सर. ठीक है, चलो. बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. नहीं आता? सो गाइस चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है. सो गाइस ये है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऐसे करके अपने हैंड से ऐसे प्रेस कर देना है, रेड कलर का है वो ग्रे हो जाएगा, एंड देन उसके बाद सामने ही आपका बेल आइकन है, आपने उस बेल आइकन को ऐसे करके प्रेस कर देना है, और फिर आपको जो भी मेरी अगली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी सबसे पहले.